जय हिंद फौजियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वे ऑफ कैरियर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप भी ARO अलवर सेना रैली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आने वाली सेना रैली भर्ती की, या फिर दोस्तों आप किसी अन्य ARO की भर्ती की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आप सभी के लगातार कॉमेंट्स जो आप कॉमेंट्स कर रहे हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हो, तो दोस्तों उसके जरिए जो आप बार बार आपके मन में मतलब ये सवाल कहीं ना कहीं बन रहा है कि हमारी भर्ती कब तक होने वाली है। अभी दोस्तों यहां पे बात करें आपकी भर्ती के बारे में, भर्ती कब तक होगी, फॉर्म दोबारा लगेंगे या नहीं लगेंगे, आपके जो यानी कि एग्जाम वगैरह भी कब, जैसे अजमेर भर्ती का एग्जाम भी पेंडिंग है, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके एग्जाम वगैरह भी कब होने वाले हैं। अभी दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, साथ ही अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन या अपडेट होगा आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, जिसमें मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे टेस्ट सीरीज वगैरह या फिर आपको किसी भर्ती का अपडेट वगैरह आपको वहीं पे देखने को मिलेगा। तो टेलीग्राम पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइएगा, क्वेश्चनों की सीरीज वगैरह वहाँ पे डालते हैं, तो आपकी पढ़ाई के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं हम बात करें आपकी भर्ती को हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, बीच में आपकी भर्ती जो लास्ट ईयर आपकी भर्ती अप्रैल में फिक्स भी की गई थी, लेकिन दोस्तों तब आपकी भर्ती से दो दिन पहले भर्ती को पोस्टपोन कर दिया। उसके बाद में दोस्तों आपका जो जगह भी चेंज करी गई थी कि आपकी जो भर्ती है वो यहाँ पे आपका मीनापुरा ग्राउंड में होने वाली थी, और दोस्तों पहले इंदिरा गांधी स्टेडियम में होते ही उसके बाद मीनापुरा में करी गई, लेकिन भर्ती नहीं हो पाई उस टाइम। उसके बाद आपकी नवंबर की डेट डाली गई भर्ती में, और दोबारा से फिर फरवरी की डेट डाली। भर्ती की डेट अखबार के माध्यम से आपको आई थी, अखबार भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पिछली वीडियोस में भी हमने बताया था आपकी फरवरी की डेट डाली। अभी दोस्तों बार बार यूट्यूब पर आपको या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से अप्रैल की कटिंग दिखाई जा रही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम बात करें अप्रैल की, वो कटिंग है जो पिछले साल की है, जो पिछले साल यानी कि लास्ट ईयर जो भर्ती होने वाली थी अप्रैल में, उस भर्ती की कटिंग आपको वो एडिट करके आपको ऐसे कैसे दिखाई जा रही है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूँ, ARO की तरफ से अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो कोई भी डाला नहीं गया है, लेकिन अनुमानित तिथि की अगर बात करें कि भर्ती कब तक आपकी संभव है, एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो दोस्तों एज में छूट को लेकर जैसा कि आप वीडियो में देख रही हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे कि अभ्यर्थी जो एग्जाम डेट और एज को छूट को लेकर काफ़ी ज़्यादा जगह अभ्यर्थी आंदोलन भी कर रहे हैं। जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की तस्वीरें, वहां पर एग्जाम काफी दिन हो गए, CEE जो यहां पे एग्जाम था आर्मी का उसको हुए काफी दिन हो गए हैं, उस एग्जाम को लेकर यहां पे अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, दो साल की एज में छूट मांग रहे हैं, जिसको देखते हुए आपको लगता है कि उम्र में छूट आपको मिल सकती है, देखने को मिल सकती है। दोस्तों बात करें आपके फोरम की, तो दोस्तों आपके फोरम दोबारा भरवाए जाएंगे, आपके ऑनलाइन फोरम दोबारा से भरवाए जाएंगे सभी अभ्यर्थियों की, जो भी इसके लिए एप्लीकेबल होगा उसके लिए दोबारा फोरम आपको यहां पे भरने पड़ेंगे। दोस्तों अभी बात करें आपकी भर्ती कब तक संभव है, तो दोस्तों आपकी भर्ती है जो ग्रीष्म काल में होगी, यानी कि आपकी भर्ती अभी नहीं होने वाली है, अप्रैल मई के समथिंग जाके आपकी भर्ती होगी, और लगभग मार्च के समथिंग आपके फॉर्म भी लग जाएंगे, लगने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बाकी जो ARO हैं जैसे यूपी वगैरह में है, राजस्थान के अन्य ARO हैं, उनकी बात करें तो सभी भर्तियां आपकी 2022 के लास्ट तक धीरे धीरे करवा ली जाएंगी। TA की वीडियो, TA की भर्ती पर भी आपको, अगर TA की भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको TA की वीडियो चाहिए तो हम TA के ऊपर भी आपको अपडेट यहाँ पे दे देंगे, ट्रेनिंग क्या आपका जो उसमें शेड्यूल रहने वाला है, कब आपकी भर्ती करवाई जाएगी। अभी एग्जाम की बात करें तो दोस्तों एग्जाम डेट आपकी अभी अनुमानित बताई जा रही है कि 27 फरवरी तक आपका एग्जाम करवा लिया जाएगा, तो धीरे धीरे कोरोना केसेस भी घट रहे हैं, तो इस हिसाब से आपका एग्जाम करवा लिया जाएगा जल्दी, ठीक है। और बाकी आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, एग्जाम से संबंधित कोई आपको PDF वगैरह चाहिए, कोई नोट्स वगैरह चाहिए, तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। जय हिंद जय भारत। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, तथा कॉमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा।